भारतीयों ने लगभग 250 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी और अमानवीय जुल्मों को सहा है और अंग्रेजों के अत्याचार से लगातार लड़ते हुए न जाने कितने ही बच्चे, बूढ़े और युवाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तब कहीं जाकर हम आज आजाद देश में सांस ले रहे हैं और आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश में अमृत महोत्सव मना सके हैं। लेकिन अंग्रेज हमेशा से ही भारत में नहीं थे, बल्कि जब वे मीलों का सफर तय करके भारत आए थे तब यहाँ पर मुगलों का राज था और अगर मुगल न चाहते तो अंग्रेज भारत में प्रवेश तक नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारत में एक ओर मुगलों का शक्तिशाली साम्राज्य था तो दूसरी ओर मातृभूमि पर मर मिटने वाले मराठा भी थे। ऐसे हालात में अंग्रेजों को भी भारत में राज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था, मगर धीरे धीरे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर अपना वर्चस्व इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। लेकिन इस इतिहास में सवाल ये आता है कि मुगलों के उस शक्तिशाली साम्राज्य को आखिर अंग्रेजों ने किस तरह खत्म किया होगा, आज के इस वीडियो में हम आपको वही दास्तान सुनाने वाले हैं। तो इसी बात पर चलिए शुरू करते हैं इतिहास के एक और नए अध्याय को। इतिहास बताता है कि 16वीं सदी के अंत में भारत इतना संपन्न था कि पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसका लगभग 1/4 हिस्सा केवल भारत में ही उगता था और यही वजह थी कि भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था और पूरी दुनिया की नज़र इसी सोने की चिड़िया पर ही टिकी हुई थी। ऐसे में भला अंग्रेज कहाँ पीछे रहते। उस समय हिंदुस्तान में दिल्ली पर सम्राट अकबर का राज था और ऐसा माना जाता है कि अकबर अपने दौर के सबसे ज़्यादा दौलतमंद बादशाह थे। लेकिन उसी समय ब्रिटेन में भी गृहयुद्ध की स्थिति बन गई थी और उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम की शासनकाल में अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती थी। अफसोस कि आपसी गृह युद्ध के चलते ब्रिटेन वैश्विक स्तर पर केवल 3-4% उत्पादन ही कर पा रहा था और इसी दौरान पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पीछे छोड़कर उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे थे। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि ब्रिटेन के लुटेरे नाविक भी पुर्तगाल के जहाज़ों को ही लूट कर अपना काम चलाते थे, क्योंकि ब्रिटेन में लूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन उसी दौरान एक ब्रिटिश नाविक को समुद्री यात्रा के दौरान भारत की अपार संपदा और समृद्धि के बारे में पता चला और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक ये खबर जल्द ही पहुंच गई। फिर आया समय सन 1600 का, जब 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी के सदस्यों ने जब अपनी राजनीति और कूटनीति महारानी एलिजाबेथ को बताई तो वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई। इधर भारत में इसी बीच बादशाह अकबर की मौत हो चुकी थी और अकबर के बाद मुगल बादशाह के तख्त पर अकबर के बेटे जहांगीर की ताजपोशी कर दी गई। साल आ चुका था 1608 का। इधर जहांगीर दिल्ली के तख्त पर अंग्रेजों की चाल से बेखबर हिंदुस्तान पर राज कर रहा था और उधर कैप्टन विलियम हॉकिंस समुद्री रास्ते से गुजरात के सूरत में अपने कुछ व्यापारी जहाजों के साथ प्रवेश कर चुके थे और बस उनके आगमन के साथ ही भारत पर ऐसी काली छाया मंडराने लगी कि जिसने भारत को ऐसा काला इतिहास दिया जो सृष्टि के अंत तक भी भुलाया नहीं जा सकेगा। अंग्रेजों ने भारत में आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की घोषणा कर दी और अपने इसी प्रस्ताव के साथ काफी बेशकीमती उपहारों को लेकर कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने कुछ साथियों के साथ जहांगीर के दरबार में पहुंचे। बादशाह जहांगीर उस समय तो डच और पुर्तगालियों के दबाव के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, पर अंग्रेज भी कहां पीछे रहने वाले थे। वो लगातार इस व्यापारिक समझौते के साथ नई नई प्रॉफिटेबल डील्स जोड़ते हुए बार बार जहांगीर के पास जाते रहे और अंततः कुछ समय बाद ही जहांगीर ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके अंग्रेजों को व्यापार करने की मंजूरी दे दी। और ये मंजूरी मिलते ही अंग्रेजों ने पटना, सूरत, मुंबई और चेन्नई में अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित करके व्यापार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो इस कंपनी ने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया और बदले में उन्हें अच्छी तनख्वाह भी दी, जिस वजह से हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी प्रभावित हुए और कई हिंदुस्तानी व्यापारी भी इन फैक्ट्रियों से जुड़ गए। लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं, पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता ही चला जा रहा था और अपने बढ़ते व्यापार की वजह से अंग्रेजों के मन में इतना ज्यादा लालच बढ़ गया कि उन्होंने भारत की सत्ता पर ही कब्जा करने की योजना बना डाली और इसी उद्देश्य से 1686 में ब्रिटिशों ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी और औरंगजेब से हुई इस जंग में मुगलों ने ब्रिटिशर्स को बुरी तरह से हरा दिया। इस हार से ब्रिटिशर्स को एक बात तो समझ में आ गई थी कि मुगलों को वो जंग लड़कर तो हरा नहीं सकते, लेकिन उन्हें भारत पर कब्जा भी करना था, जिसके लिए उन्होंने वो कूटनीति अपनाई जिसका फायदा वर्षों बाद भी आज तक भारत के धूर्त नेता उठाते हैं और राज करते हैं। और वो कूटनीति थी डिवाइड एंड रूल की, यानी आपस में फूट डालो और इन पर राज करो। जंग में हारने के बाद ब्रिटिशर्स ने औरंगजेब से माफी मांगते हुए ये वादा किया कि वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और औरंगजेब ने भी उन पर कुछ जुर्माना लगाते हुए उन्हें माफ कर दिया और अपना व्यापार उसी तरह चालू रखने की आज्ञा भी दे दी।
लेकिन मुगलों द्वारा ब्रिटिशर्स को माफ करना ही मुगलों के अंत का सबसे बड़ा जरिया बना, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद कई लोग मुगल सल्तनत पाने के लिए आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे। और इसी लड़ाई के चलते एक समय ऐसा आया जब कुछ कमजोर शासक मुगल बादशाह बन गए, जो कि मुगल साम्राज्य को व्यवस्थित ढंग से चला ही नहीं पाए। ये अनुभवहीन मुगल बादशाह रोज नए नए नियम बनाते और उन्हें बदलते रहते, और उनकी इसी तरह की बेवकूफियों के चलते अंग्रेजों को मौका मिल गया अपनी चाल चलने का। दरअसल 1717 में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया, जिसमें उन्होंने बहुत छोटी सी रकम सालाना फीस के रूप में देकर बिना किसी लगान या कर के व्यापार करने की इजाजत मिल गई। और इसी दौरान पर्सिया के राजा ने मौका देखकर भारत पर आक्रमण बोल दिया। अब चूंकि ऐसे में मुगल शासक अपनी सत्ता के नशे में इतने खोए हुए थे कि उन्हें अचानक हुए इस आक्रमण के बारे में पता ही नहीं चला, और पर्सियन आर्मी दिल्ली तक पहुंच गई, और दिल्ली की गद्दी मुगलों के हाथ से लगभग छूट ही गई थी। स्थिति को पूरी तरह बिगड़ते हुए देखकर मुगल बादशाहों ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए, जी हाँ, उस दौर में लगभग 2 करोड़ रुपए और कई बेशकीमती हीरे मोती देकर दिल्ली को बचाया। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल पूरी तरह से कमजोर पड़ गए, और अंग्रेजों की साजिश भी उन्हें कुछ कुछ समझ में आने लगी। पर अफसोस कि अब वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था और उनका साम्राज्य भी। अंग्रेज लगातार भारत पर कब्जा करने की अलग अलग रणनीति अपनाते जा रहे थे, जिसके पहले चरण में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को तख्त से हटाने के लिए जंग छेड़ दी, और साथ ही साथ अंग्रेजों ने वहां के हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी फूट डालकर डिवाइड एंड रूल की कूटनीति लागू की, जिसे संभालने में नवाब सिराजुद्दौला नाकामयाब रहे, और नतीजा अंग्रेजों के लिए फायदेमंद रहा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति को अपने साथ मिला लिया और उसे बंगाल का नवाब बना दिया। समय बीतता गया और भारत पर अंग्रेजों की ताकत और अधिकार भी उसी के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। सन 1764 में अंग्रेजी फौज ने बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल नवाब शाह आलम द्वितीय, इन तीनों को हरा दिया। इसके अलावा निजाम और मराठों के बीच में भी फूट डलवा कर अंग्रेजों ने पहले तो उन्हें लड़वाया और फिर उनकी लड़ाई का फायदा उठाकर खुद उनकी कमजोर सेना को हरा कर उनकी रियासतों पर कब्जा कर लिया। और अंग्रेजों ने अपनी इसी रणनीति और कूटनीति को अपनाते हुए 18वीं सदी तक भारत के लगभग हर एक क्षेत्र पर अपना संपूर्ण कब्जा जमा लिया, जिसके बाद उन्होंने व्यापार और अपने अधिकार क्षेत्र की अन्य कई चीजों पर अपनी मनमर्जी के टैक्स लगाकर भी काफी कमाई करी और भारत को अंदर तक लूट लिया। अंग्रेजों को अभी भारत में पूरी तरह से राज करने के लिए कुछ भारतीयों को भी अपने साथ शामिल करना था, और उन्होंने उन बड़े जमींदारों को अपने साथ मिला लिया जिनसे उन्हें आगे चलकर काफी फायदा हो सकता था। यूं तो अंग्रेजों ने भारत में कुछ बहुत अच्छे काम भी किए, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी लागू करना, रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे वगैरह लाना, जिस वजह से कई समाज सुधारक अंग्रेजों से प्रभावित हुए और उनका साथ देने लगे। मगर यही विश्वासघात की वजह थी कि 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के दौरान कई बड़े जमींदार और समाज सुधारक अंग्रेजों के साथ हो गए थे, जिसकी वजह से आगे चलकर अंग्रेजों को भारत पर जीत हासिल करने में मदद मिली। भारत पर जीत के साथ ही मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने अपना बंदी बनाकर रंगून की जेल में भेज दिया और उनके बेटे व खानदान के तमाम लोगों को मौत की नींद सुला दिया और पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो दोस्तों, ये थी वो दुख भरी दास्तान जिसमें मुगलों की एक गलती और अपने निजी स्वार्थ की भावना ने अंग्रेजों को भारत में पांव पसारने का मौका दे दिया, और उनकी इसी गलती का खामियाजा हिंदुस्तानियों की कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। वैसे आपके नजरिए से अंग्रेजों के आगमन के लिए मुगल साम्राज्य जिम्मेदार हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।